बीजेपी सांसद, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो गए हैं। अनुराग ठाकुर अब लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर कहलाएंगे। अनुराग ठाकुर का चयन रिटन एग्जाम और फिर इंटरव्यू के जरिए हुआ। इसके बाद उन्हें भोपाल में ट्रेनिंग दी गई। अब उन्हें परमानेंट ऑफिसर के तौर पर भी ट्रेनिंग लेनी है। सैन्य सेवा में शामिल होने वाले वो पहले मौजूदा भाजपा सांसद हैं। नेता अनुराग ठाकुर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत बधाई और आखिर किस लिए? बचपन से चाह थी कि मैं भारतीय सेना में आऊं, किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज तक नहीं आ पाया, लेकिन आज भारतीय सेना में शामिल होने के बाद मुझे लगता है वो ख्वाहिश भी पूरी हुई है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और वीर भूमि हिमाचल के नाम से उसको जाना जाता है। आज सेना में आया हूँ और आज ये मन में संकल्प लेता हूँ कि जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आए तो केवल भाषण ना दूं बल्कि अपनी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने के लिए अपने वीर सैनिकों के साथ खड़ा हूं। कश्मीर तक यात्रा भी निकाली थी, आखिर ये वर्दी पहनकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर? मैं कश्मीर के नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, हम सब भारत का हिस्सा हैं, अपने देश में जितनी शांति बनाए रखेंगे उतना ही हमारा विकास होगा। समस्याओं का हल बैठ कर बातचीत करके वार्ता करके होता है, पथराव से कुछ नहीं मिलता। सन 2010 में भी जब पथराव हुआ तब मैंने सबसे पहले अपील मैंने की थी, उस समय इंडिया फर्स्ट की पूरे देश भर में कार्यक्रम मैंने किए, राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा मैंने कलकत्ता से कश्मीर तक निकाली और पथराव की घटनाओं को भी रुकवाया और सेना के मुद्दे को भी जनता के बीच में रखा।